कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं कविश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हेलो सर, मैं अमित जावेद से बात कर रहा हूँ मुंबई से। यस सर, बताइए। जी, क्रेडिट नोट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है तो। हाँ बताइए सर, क्या जानकारी चाहिए आपको? जी सर, मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि लिनोवो डेवलपर टीम की तरफ से जो अपडेट आने वाली रहती है वो आप लोग को 100% पता रहता है या नहीं पता रहता है? सर देखिए, नॉर्मली अपडेट के बारे में देखिए जो भी जानकारी होती है उस हिसाब से, देखिए डेट का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, अपडेट है कि नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहता है। आपको क्या जानकारी चाहिए उस बेसिस पे आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा आपको। जी जी सर, नहीं ऐसा हुआ था अभी एक हफ्ते पहले, जी 5 जुलाई की अपडेट लिनोवो केट नोट को मिली है। ओके, छोटी सी अपडेट है। उससे 3 दिन पहले मैं फ़ोन किया था कस्टमर केयर में और मैं पूछा था कि अभी अपडेट आने वाली है क्या, तो डायरेक्ट साफ मना कर दिया गया था कि अभी कोई अपडेट नहीं आने वाली है। और 3 दिन के बाद जब मैंने मोबाइल में देखा नोटिफिकेशन बार में, तो मेरे को अपडेट मिल चुकी थी सिर्फ 3 दिन के बाद। तो मैं सिर्फ इसके बारे में जानना चाह रहा था कि ये आप लोगों को पता रहता है या नहीं पता रहता है इसके बारे में। सर इसमें अपडेट के बारे में देखिए, अपडेट रिलीज देखिए, अपडेट इसमें ओरियो का अपडेट है और अपडेट ये भी नोटिफाई भी हो चुका है सर। लेकिन आपकी क्या बात हुई उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से फोन पे अपडेट है और हो चुका है। आपने फोन कौन सी यूज करे मैं जान सकता हूँ? केट नोट आप यूज कर रहे हो? लिनोवो केट नोट यूज कर रहा हूँ। आपने पहले भी अगर कॉल पहले भी कॉल किया हुआ है आपने बताया है? अगर आपने पहले भी कॉल किया हुआ है तो आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर और आपने क्या बताया? जावेद, एम डी जावेद शेख जी। ई मेल अपनी है MDGAWADIDSHEIKH10@gmail.com। ठीक सर जी, आपने इन्फॉर्मेशन देने के धन्यवाद सर। तो अभी आपको क्या जानकारी चाहिए? आपके फोन पे अपडेट हो चुका है 8.0 का, पूरे कम्प्लीटली हो चुका है आपके? 5 जुलाई की अपडेट आ गई है और उससे रिलेटेड मैं जानना चाहता हूँ कि 5 जुलाई की जो अपडेट आई है इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि यह किस चीज़ पे अपडेट आई है, मतलब कौन से वक्त को फिक्स किया गया है। इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था, सिर्फ 146 MB की अपडेट थी और इसमें सिर्फ एक ही जो कुछ नया दिखा मुझे वो स्टेटस बार में, जो अपना ऊपर नोटिफिकेशन बार में डॉल्बी का जो सिंबल था वो दे दिया गया है और डॉल्बी अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये अपडेट किस किस चीज़ को फिक्स किया गया है, क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अपडेट नॉर्मली वैसे वहाँ पे तो कोई ये नहीं होता है सर। अपडेट जो भी होता है, जो भी अगर फोन पे जो भी प्रॉब्लम है वो सबको फिक्स करने के लिए, कोई सेटिंग्स के लिए होता है वहाँ पे होता है। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता कि पर्टिकुलर वो ये होता है, वो जो भी अगर फोन पे कोई क्या होता है कि पहले फोन पे एक मेन अपडेट आता है, मेन अपडेट आने के बाद कोई इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई बग होता है तो उसको करने के लिए वो ऐसा करके आता है। नॉर्मली ऐसा कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं होता किसी के लिए आया है, फोन पे जो भी सेटिंग्स में अगर कोई इशू आया होगा तो उसके लिए आता है सर टोटली। ठीक है, अभी अगर फोन बताइए जी, अभी मेरे पास जो ऑडियो की अपडेट आई थी, ऑडियो के अपडेट के बाद 5 मई की भी अपडेट आई थी और अभी ये 5 जुलाई की भी अपडेट आई है। तो ये 5 जुलाई की अपडेट आने के बाद कुछ बेहतर हुआ है फोन? पहले से अच्छा हुआ है ऑडियो अपडेट आने के बाद जो धीरे धीरे अभी बेहतर हुआ है, लेकिन इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि ये किस वक्त को फिक्स किया गया है, इसके लिए मैं पूछना चाह रहा था। नहीं ऐसा वहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता है सर। नॉर्मली जो भी फोन पे जो भी सेटिंग्स रहती है अगर उसमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं चल रहा तो अपनी तरफ से वो जो होती है हमारे टेक्नीशियन जो डेवलपर्स होती हैं उनके तरफ से आ जाता है सर नॉर्मली, क्योंकि पर्टिकुलर डिवाइस का पर्टिकुलर सीरीज होता है तो उस सीरीज के हिसाब से उनको एक आपको एक ये मिल जाता है, अपडेट मिल जाता है फोन पे। ठीक है, लेकिन अगर ये अपडेट हो चुका है प्रॉपर्ली तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई भी पैच अपडेट है कुछ बताइए। अपडेट हो भी चुका है और अच्छे से फोन चल भी रहा है। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम ये आया था कि जब मेरा फोन सही नहीं चला था 5 मई की जो अपडेट आई थी उसके बाद मैं 2-3 बार कॉल किया था कि अभी भी फोन सही से नहीं चल रहा है। तो जितने भी अपने कस्टमर केयर से बात हुई तो उनका यही कहना था हम लोग को पता नहीं अभी कोई अपडेट आने वाली नहीं, अभी कोई अपडेट आने वाली नहीं। सिर्फ 3 दिन पहले मैंने फ़ोन किया तो बोला कि नहीं अभी डायरेक्ट ही खारिज कर दिया गया कि अभी कोई अपडेट आने ही वाली नहीं है, आपका जो प्रॉब्लम है मैं आगे डब्ल्यू पी तक भेजूंगा। और 3 दिन के बाद मेरे फोन में अपडेट आ गया, तो मैं ये सोच रहा हूँ अपने कस्टमर केयर डेट का, देखिए डेट का यहाँ पे किसी कन्फ्यूजन की ये सॉफ्टवेयर है सर, डेट का यहाँ पे किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं आता। 8.0 की अपडेट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो भी पैच है उसका कोई डेट का है तो कोई फिक्स नहीं है किसी डेट में आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सर कि एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है, ये पर्टिकुलर डिवाइस आपका डिवाइस है कि आपका केट नोट है, उसी तरह दूसरे का भी डिवाइस हो केट नोट, दोनों डिवाइस का डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होता है तो सीरीज की वाइज के हिसाब से आपको कोई भी पैच अपडेट या कुछ भी नोटिफाई होता है सर। उसके लिए यहाँ पे डेट का कोई कंफर्मेशन हम यहाँ से बोल नहीं सकते हैं। अगर हम डेट बोल देंगे कल के दिन आपको आएगा, अगर कल नहीं आया तो आपको वही मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, उसी हम डेट के आते इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। ओके, लेकिन अपडेट रहता है, 8.0 अपडेट हो चुका है। अगर ऐसा कोई भी पैच अपडेट आता है टेक्नीशियंस की तरफ से तो उसे अपडेट करते रहिए सर, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नॉर्मल की ही बात है, अगर प्रीवियस हाँ बताइए हाँ सर, अच्छी बात है अगर फोन अच्छा चल अच्छी बात है। तो अभी अगर कोई भी ऐसा कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो मैं कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, हम जरूर इस रिगार्डिंग आपको हेल्प कुछ भी जरूर देंगे। लेकिन जो भी देखिए नॉर्मली अगर इस रिगार्डिंग अगर वो पूरी जानकारी चाहिए आपको, अगर आपको लगता है कि पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए इस रिगार्डिंग तो हमारे वेबसाइट भी है support.lino.com करके, वहाँ पे भी आपको अपडेट रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से इन्फॉर्मेशन अपडेट होते रहता है, तो वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
ठीक है, इसमें कोई पैच अपडेट आने वाला है नहीं है, वो उसकी जानकारी मिलती रहती है आपको वहाँ से। ओके ओके सर, सर आप कुछ आइडिया दे सकते हैं क्या अभी 8.1.1 आने वाला है क्या इस पर अपडेट? अभी सर देखिए 8.1 का कोई मैं अगर मेरे हमारे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से 8.1 का भी कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ है फिलहाल, तो 8.0 इसमें है। 8.1 का कन्फर्मेशन होने से हम जरूर आपको बता सकते, डिनाई नहीं करते, लेकिन 8.1 का भी कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। इस रिगार्डिंग आपको कोई ऐसा कन्फर्मेशन हो जाएगा तो दो चीजें होती हैं, पहला या तो हमारे जो वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है, अगर हमारे पास अपडेट हो जाता है तो हम आपको जरूर बता देंगे इस रिगार्डिंग, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए कोई टेक्नीशियंस की तरफ से अपडेट नहीं आया कि 8.1 का कोई अपडेट अभी आने वाला है। फिलहाल तो 8.0 है, उसे अच्छे से वो काम यूज कीजिए, यूज करने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अपडेट नहीं है कि नहीं है। ओके ओके सर, ये अपडेट आने के बाद भी अभी कुछ लोगों के फ़ोन में, जैसा कि मैं वीडियो देख रहा यूट्यूब पे, तो कुछ लोगों के फ़ोन में अभी भी बैटरी की इशू है, एक दो इशू है अभी भी, तो उसको क्या करना चाहिए, सर्विस सेंटर जाना चाहिए या वो तो अपडेट 5 जुलाई की कर चुके हैं फिर भी उसको ऐसी इशू आ रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? नॉर्मली देखिए ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मली कोई भी जब भी कोई सॉफ्टवेयर आता है तो वो धीरे धीरे फोन पे वो फीडबैक है, और इस रिगार्डिंग जैसे आपने बताया था कि स्टार्टिंग में अपडेट करने में आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, उसके लिए आपको जैसे अपडेट्स आए पैच अपडेट्स आए उसी तरीके से उनके फोन पे भी उसको रिकवर करने के लिए टेक्नीशियन की तरफ से अपडेट नोटिफाई हो जाएगा। ओके दिक्कत की माफी चाहूंगा, लेकिन नोटिफाई हो जाता है क्योंकि पर्टिकुलर डिवाइस में पर्टिकुलर सीरीज होता है सर, जैसे अगर आपने मान लीजिए आपने 6 महीने पहले खरीदा था तो आपके पर्टिकुलर सीरीज होता है, अगर आप अभी नया कोई अगर नया कोई फ्रेंड अगर अभी फोन खरीदता है या फिर 2-3 महीने पहले अगर खरीदा होगा तो उसका सीरीज दूसरा हो जाता है, तो डिफरेंट सीरीज होती है, तो सीरीज की वाइज हिसाब से अपडेट नोटिफाई होता है फोन पे, और यूज करते करते ही वो बग ये हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर उनके फोन पे ऐसे कोई अपडेट नहीं आ रहे हैं, मतलब जैसे आपको आया उनके फोन पे अगर नोटिफाई नहीं हो पा रहे तो सर्विस सेंटर में जाकर के भी करवा सकते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर के पास सारा अपडेट नोटिफाई हो चुका है उनके पास सब कुछ की नोट का जो भी अपडेट, अगर आप चाहते हो कि नहीं वहाँ भी आप चाहते हो करवाने के लिए तो वहाँ पे जाके भी करवा सकते हो सर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी उनके पास अपडेट है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी यूज करें तो अच्छे से यूज कीजिए, हमेशा फोन को अपडेट करते रहिए, कोई भी कोई अपडेट अगर आता है फोन पे तो उसे पेंडिंग मत रखिए, अपने वाईफाई से या हॉटस्पॉट से अपडेट कीजिए। ठीक है जी, चेक कीजिए फाइन, इसके अलावा कोई सहायता जानकारी चाहिए आपको? सर नहीं सर, ओके थैंक यू। अभी फोन अच्छा चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं आ रही, चार्जिंग वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है आपको? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और छोटी मोटी इशू है तो ये अभी कैसा 1 साल पुराना फोन हो गया, थोड़ा छोटा मोटा तो इशू आता रहता है, लेकिन अभी सब सही चल रहा है, जब जो अपडेट आए थे उसके बाद जो परेशान हुए थे ना, अभी उससे हम लोग बेहतर है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर है ना तो सॉफ्टवेयर को फिर बैठने में टाइम लगता है, अपना रिकवर हो जाता है, अभी आपके जैसे काम कर रहे थे उसे कोई दिक्कत नहीं आई, और जैसे कि आपने बताया कि प्रीवियसली बात हुई थी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन मिस कम्युनिकेशन हो पाया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। इस रिगार्डिंग अपने टेक्नीशियन जो भी हमारे जो है डिपार्टमेंट है उनके पास एक छोटा सा फीडबैक जो रख दूंगा कि कभी भी कस्टमर्स अगर फोन करते हैं तो उनको मतलब डिनाई ना करें, प्रॉपर जानकारी दे सकते हैं ताकि आपको आपको कोई कमी ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहेंगे तो आप भी मतलब परेशान रहेंगे, तो वो हम हम लोग एक नॉर्मल यूजर है सर, अभी अभी कस्टमर केयर को हम लोग एक भरोसे फोन करते हैं और वो सर डायरेक्ट खारिज कर देते हैं तो कोई अपडेट आने वाली नहीं है, और 3 दिन का अपडेट मिलती है तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि ये अपडेट करूँ या ना करूँ, क्योंकि सर की तरफ से मालूम है कि ये अपडेट आई नहीं रही तो फिर ये अपडेट आई कैसे, तो हम लोग को देखिए नॉर्मली जो भी मिस कम्युनिकेशन हुआ था वर्डिंग्स को लेकर, जो भी मिस कम्युनिकेशन हुआ था प्रीवियस जो भी हमारे पास, क्योंकि मैं तो वहाँ से चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी मिस कम्युनिकेशन हुआ था उस रिगार्डिंग हम जरूर बात कर लेंगे ताकि इस तरह की अपडेट्स हमारे जो भी हैं यहाँ पे जो टेक्नीशियन उनको मिल सके ताकि वो कस्टमर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाए। ओके, लेकिन मेरी तरफ से आपको पूरी जानकारी मिली इस रिगार्डिंग की क्या क्या करना है क्या नहीं, आपको पूरी जानकारी मिल गई आपको सर मेरी तरफ से? जी सर जी, हेलो सर जी, मैं पूछा आपको मेरे से पूरी जानकारी मिल गई या कोई दूसरी कोई जानकारी चाहिए आपको? नहीं, सर मेरा जी फाइन जी फाइन, तो बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जो मेल है जो दिया था ना MDJAWADITSHEIKH10@gmail.com राइट सर, तो इसी मेल पे हमारी कंपनी की तरफ से छोटा सा फीडबैक का सर्वे आएगा, ये जो फीडबैक का जो सर्वे है अभी जो हमारे बीच में जो भी बातचीत हुई आपकी हमारे बीच में जो भी बातचीत हुई इस रिगार्डिंग अपना फीडबैक शेयर करिएगा मेरी रिगार्डिंग, और कोई भी अगर अपने वैल्यूबल कमेंट अगर आप शेयर करना चाहते हो अब कोई भी कमेंट शेयर करना तो आपके कमेंट बॉक्स भी होता है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, और सबमिट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको इंग्लिश में भेजूँ हिंदी में शेयर करूँ आपको सर फीडबैक का सर्वे, जिसमें सर जिसमें सर हिंदी इंग्लिश में शेयर करूँ आपको हिंदी में, और फीडबैक का सर्वे जो आपकी मेल पर शेयर करती है 2-3 सवाल होते हैं चेक करके समय जरूर कर दीजिए, कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है हमें कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, हम जरूर आपको जो भी जानकारी जरूर प्रोवाइड करेंगे फाइन। पर एक जानकारी के लिए support@support.com वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ पे सेल्फ हेल्प टूल भी है और लेनोवो कस्टमर सपोर्ट में कॉल करने के धन्यवाद सर आपका।